भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने अनोखे कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं। अब यह वीडियो देख लीजिए कैसे विधायक जी बेधड़क सोए हैं। नहीं नहीं, वो अपने घर में नहीं बल्कि बड़े कार्यक्रम में गहरी नींद में सो रहे हैं। दरअसल मौका था भागलपुर की बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना दिवस समारोह का, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सवन कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान, उद्यमी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सवन कुमार के बगल में बैठे जदयू विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर रखकर गहरी निंद्रा लेते नजर आए। विधायक जी बोर हो रहे थे, उन्होंने भाषण को नहीं सुनकर सोना ही मुनासिब समझा। विधायक जी ऐसे सोए मानो वो जनता काम करते करते थक गए हों। उन्होंने कई रातों से अच्छी नींद ना ली हो। मिनटों सोए रहे जब विधायक जी के ऊपर मंत्री सवन कुमार और पीरपैंती विधायक ललन पासवान की नजर पड़ी तो दोनों ने उन्हें जगाया। उस समय मंच से बिहार विधान परिषद के सदस्य एनके यादव वक्तव्य दे रहे थे, गोपाल मंडल सोते नजर आए। वहीं मंत्री सवन कुमार के भाषण के दौरान भी वो नींद लेते नजर आए। भागलपुर की एक बेटी ने कमाल कर दिया है। उसे एक अमेरिकी कंपनी से 1,23,00,000 का पैकेज मिला है, जो एनआईटी जमशेदपुर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेटियां जन्म लेती है वहां सौभाग्य का भी जन्म होता है, और जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। इसी उदाहरण को चरितार्थ किया है भागलपुर की बेटी सृष्टि ने। जिस नौगछिया को लोग केला, कलाई और क्राइम के नाम से जानते थे, उस नौगछिया की बेटी ने देश में अपने हुनर का परचम लहराया है। सृष्टि को अमेरिका की एक कंपनी से 1,23,00,000 का पैकेज ऑफर हुआ है, जो पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। एनआईटी जमशेदपुर की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा सृष्टि चिरानिया को अमेरिकी कंपनी रूब्रिक के बैंगलोर ब्रांच ने 1,23,00,000 की सालाना पैकेज का ऑफर दिया है। एनआईटी जमशेदपुर के इतिहास में किसी विद्यार्थी को दिया गया यह सर्वाधिक पैकेज है। दरअसल भागलपुर के नौगछिया की बेटी सृष्टि ने अपने दम पर अब तक के सबसे बेहतर पैकेज पर नौकरी हासिल की है। उसकी सफलता से केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सृष्टि के घर के अंदर त्योहार का माहौल हो गया है। अपनी पुत्री की उपलब्धि से माँ और पिता भी फूले नहीं समा रहे। माँ पिता ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। वहीं क्षेत्र के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नौगछिया बाजार के सत्संग भवन रोड निवासी गोपाल चिरानिया की पुत्री सृष्टि चिरानिया को 1,23,00,000 का पैकेज मिला है। सृष्टि की मां ममता चिरानिया बताती है कि पुत्री की सफलता से मैं काफी खुश हूं। मुझे 3 पुत्री और 1 पुत्र है। तीनों पुत्री पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है। सफलता पाने वाली छात्रा सृष्टि बाल भारती में CBSE बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 2018 में दी थी, जिसमें वो पूरे जिले में अव्वल आई थी, और उसके बाद आगे की तैयारी के लिए वो कोटा चली गई, जहां उसने वर्ष 2020 में IIT की परीक्षा दी थी और उसमें भी उसे सफलता मिली थी। फिर 2020 में ही जमशेदपुर NIT में सृष्टि ने एडमिशन लिया था और 2023 में गूगल कंपनी में इंटर्नशिप भी पूरा किया था। सृष्टि चिरानिया तीनों बहनों में सबसे छोटी है। पिता गोपाल चिरानिया बताते हैं कि मेरी तीनों पुत्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बड़ी पुत्री श्रेया चिरानिया दिल्ली में ऑप्टम ग्लोबल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दूसरी निकेता चिरानिया बेंगलोर की फ्लेक्सफोर्ट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वहीं भाई कृष्णा चिरानिया बेंगलोर से कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है। सृष्टि चिरानिया की रुचि कंप्यूटर साइंस के अलावे मेडिकल और IT सेक्टर में भी है। शुरू से उसका पढ़ाई में रुचि अच्छी थी उसकी। हर क्लास में वो अच्छे अंकों से पास होती थी। और पढ़ाई लिखाई कहाँ शुरू हुई? पढ़ाई लिखाई नौगछिया बाल भारती विद्यालय से हुई है। तो मैट्रिक का एग्जाम यहीं से दिया गया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप आई थी। उसके बाद फिर वो कोटा गई थी पढ़ने के लिए। कोटा से फिर उसको कोटा में भी वो अव्वल आई। 12th का एग्जाम जो दी थी उसमें उसको NIT जमशेदपुर का कॉलेज जो है मिला था। किस चीज की तैयारी के लिए? वो BTech की तैयारी के लिए। IIT BTech उसमें भी उसको NIT जमशेदपुर मिला था, तो उसमें फिर वो 2020 में एग्जाम मतलब एडमिशन हुआ था उनका, तो 2024 में मैंने फिर बेंगलोर में रूब्रिक कंपनी में जॉब मिली है उनको। तो बीच में 23 में जो है गूगल में इंटर्नशिप मिला था, 24 में रूब्रिक में इंटर्नशिप मिला, फिर 24 में रूब्रिक ने जॉब भी दे दिया। क्या पैकेज दिया? उसका तो हमको जानकारी नहीं है, तो उसी से पूछना पड़ेगा। आप
आपके पास मैसेज आया तो बहुत अच्छी पैकेज की बात आ रही है, लगभग 1.5 करोड़ की बात आ रही है। हाँ तो उनकी जानकारी नहीं हमारी मैट्रिक कोई बात नहीं ली। मैट्रिक किस हिस्से में हुई थी? मैट्रिक 2018 में। उसका इंटर? इंटर तो वही क्या ना 2020 में निकली ना। आप कौन हैं? हम उनके फादर हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार चिरानिया। इतनी अच्छी खुशी क्या है? हाँ खुशी की बात है, खुशी है। और फैमिली में कौन सा है? फैमिली में हमारी 3 बेटी है, वो सबसे छोटी बेटी है, एक सबसे बड़ी जो है श्रेया चिराडिया, वो क्या करती है? वो भी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दिल्ली में ऑप्टम ग्लोबल कंपनी में। अच्छा। उससे छोटी वाली जो है वो फ्लैक्स फोर्ट में है बेंगलोर में, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है निकिता चिरानिया। तीसरी जो है सृष्टि चिरानिया, ये रूब्रिक में है। उसके बाद एक बेटा हमारा कृष्णा चिरानिया, वो कलकत्ते में पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है। चाची का नाम? ममता देवी चिरानिया। किस तरह से फैमिली इतना अच्छा चल रहा है, कैसे सब बच्चों को शिक्षा दीक्षा कर रहा? हाँ शुरू से तो शिक्षा में बच्चा सब पढ़ने वाला रहता तो पढ़ ही नहीं लेता। क्या आने वाले बच्चों को संदेश देंगे इस तरह के आगे बढ़े? हाँ हाँ बढ़ना चाहिए, जितने भी बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्या अच्छा लग रहा है, बच्चा अच्छा करेगा तो अच्छा ही लगेगा ना। किस चीज में हुआ है? IIT कंपनी, रूब्रिक कंपनी में। किस तरह का पैकेज मिला है? नाम बता, मतलब पैकेज का बताना पड़ेगा। 1 करोड़ 23। क्या लग रहा है अपनी बच्ची को इस तरह से मुकाम पे, अच्छा मुकाम पे गई है, क्या था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम थी बच्चा का? सृष्टि चिरानिया। कैसे उनका पढ़ाई लिखाई आप मरण पोषण या शुरू से? उनको शुरू से ही पढ़ाई में रुचि थी तो इसलिए करके वो आगे बढ़ती गई। कहाँ से पढ़ेंगे वो? नवगछिया बाल भारती विद्यालय। उसके बाद? उसके बाद वो कोटा पढ़ी थी 2 साल, उसके बाद IIT जमशेदपुर पढ़ाई की। पढ़ने में ठीक? हाँ पढ़ने में शुरू से ही उसकी रुचि थी पढ़ाई में, रुझान मतलब उसका अच्छा रुझान था पढ़ाई में। किस विभाग में उसका ज्यादा मन लगता था, किस चीज में? वो तो बोली थी मेडिकल भी मतलब इंटरेस्ट है और IIT में इंटरेस्ट है, दोनों में जो आप मतलब पेरेंट्स चाहेंगे उसमें मैं ये करता हूँ, बोले मैं IIT करूँ। और उनके कितने भाई हैं? 12? 3 बहन 1 भाई है। कौन सा? श्रेया चिरानिया, निकिता चिरानिया, सृष्टि चिरानिया, कृष्णा चिरानिया। ये लोग क्या सब करते हैं? तीनों बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और भाई उसका ना ये कॉमर्स लिया। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक ससुर ने अपनी पुत्री समान बहू के साथ गलत करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपित अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया और वो पकड़ा गया। पीड़िता ने बताया कि मेरी शादी पिछले 13 जुलाई को हुई थी, जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तब मेरे ससुर मेरे साथ गंदी हरकत करने का प्रयास करते हैं, ऐसे गहने दिलाने और सभी चीजों का प्रलोभन भी देते हैं। जब वो नहाने जाती है ससुर उसका इंतजार करते रहते हैं और उसी क्रम में बाथरूम में घुस जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत उसने पति से की लेकिन पति मानने को राजी नहीं हुए। शनिवार सुबह भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो नहा कर अपने कमरे में कपड़े बदलने गई तो उसका ससुर कमरे में आ गया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। इसी बीच उनके पति भी घर आ गए और कमरे में आते उन्होंने अपने पिता को देख लिया और उसकी सारी करतूतों को भी अपनी आंखों से देखा, तब जाकर उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ। बेटा को देख वो भागने की कोशिश करने लगा, तभी उन्हें खदेड़ कर बेटे ने पकड़ लिया और ग्रामीणों को बुलाया। गांव में इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने ससुर की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच सूचना पाकर नाथनगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और भीड़ से वृद्ध को बचाकर थाने लाया। वृद्ध को थाना से इंजरी लेकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वही घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण महिला पुरुष सभी थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष को भी बूढ़े के गलत आचरण के बारे में बताया। इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि किसी की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है। मारपीट की घटना में घायल एक वृद्ध को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सत्यता की जाँच की जा रही है। दिक्कत है यार, नहा के कपड़ा खाना बना के सब खिला पिला दिया, खिला पिला दिया
मम्मी पापा है ये वहाँ में हमारा कनियनी के डकता है अरे खाना बनाता है हुलकता है के बाबा पापा हाँ क्या नाम है पापा का वसीफ किसके साथ करता है हमारा कनिया पत्नी के साथ मतलब गलत निगाह रखता है हाँ गलत निगाह या अभी करने वाला है तो किया ना है कब हुआ था ये घटना यह हुआ है भोर में 6 बजे आज कब हुआ था शादी 13 तारीख इसी 13 तारीख क्या नाम है तुम्हारा रोहित कुमार कहाँ घर है बैरिया तेरा कहाँ अभी आए हैं अभी थाना आया पिताजी कहाँ है अभी अभी गया है अभी उधर अभी भंगा हुआ 10 लोग मारा है भंगा हुआ है तो वह गया है तब से रोड इसके पहले भी कभी किया है तुम्हारे पिताजी गांव वाला का कहना है कि पहले भी किसी लड़की के साथ छत पर सोई हुआ था उसके साथ ऐसा हुआ था हाँ हल्ला तो हुआ था वो सोते है पक्का पर उठा के कहा कि घर पर चलिए वहाँ घर वो घर आया तो कन्ना भाग गया पता नहीं चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में भागलपुर मोबाइल 7050193341 हमारी दो और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप नमस्कार मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है तो आप इसका लाभ उठाएं और दूसरी बात जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको ले सकते हैं ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं धन्यवाद सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल भरकर रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जा रहे हैं कच्ची कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के अनूठे और अनोखे भक्त देखने को मिल रहे हैं एक ऐसा ही भक्त देखने को मिला लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार 80% दिव्यांग है कच्ची कांवरिया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ की दरबार जा रहे हैं गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है तभी तो लगातार दूसरी बार भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं
सावन के महीने में सुल्तानगंज से श्रद्धालु कई तरह से यात्रा कर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु एक से दो दिन में बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, लेकिन डांडी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को देवघर पहुंचने में एक से डेढ़ महीने का वक्त लग जाता है। इसीलिए तो यह सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से दंड प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई सालों से लगातार दंड प्रणाम करते बैद्यनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। इतनी कठिन यात्रा के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वती लब्बू पासी लेन में वार्ड पार्षद रंजीत मंडल से कब्जा किया हुआ जमीन छुड़ाने के लिए पिछले एक माह से जमीन मालिक मोतीलाल शाह अपनी जमीन पर धरना पर बैठे हैं, जिसके बाद जमीन विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा चाकू से हमला कर देने का मामला सामने आया है। हमले में धरना पर बैठे बुजुर्ग मोती शाह घायल होकर पेट से खून निकलने लगा। बुजुर्ग मोती शाह ने पार्षद रंजीत मंडल और उसके भाई शेखर मंडल पर चाकू मारकर हमला करने का आरोप लगाया है। घायल ने बताया कि दोनों भाई सोमवार देर रात हथियार लेकर डराने धमकाने आया था। ग्रामीणों के हल्ला करने पर जल्दीबाजी में शेखर मंडल चाकू मारकर भाग गया और जब लोगों की भीड़ जुटी तो वे लोग हथियार छोड़कर भाग गए। इधर पार्षद रंजीत मंडल का कहना है कि मोती सार के परिवार के लोग बिना सिक्योरिटी मनी लौटाए ही उनकी आइसक्रीम कंपनी में ताला लगा दिए हैं। लगातार तरह तरह का आरोप लगाकर उनकी कंपनी पर कब्जा जमाए हुए हैं। वो पैसा लौटा दे, उनकी जमीन हम क्यों कब्जा करेंगे। फ्रीजर को निकालने और तोड़ने की सूचना मिली तो भाई शेखर मंडल के साथ मौके पर पहुंचे थे। यहां मोती के परिजनों ने भाई के साथ मारपीट की। वैसे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मोती शाह को थाने पर लाकर लिखित आवेदन के साथ इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के समीप प्राचीन शिव मंदिर प्राथमिक विद्यालय कलबगंज में उत्तर प्रदेश से एक नेत्रहीन महिला अपने दो बच्चों के साथ भटकते हुए पहुंच गई। इसके बाद कलबगंज मोहल्ले के लोगों ने उन्हें सहारा दिया, साथ ही 112 को इसकी सूचना दी। दरअसल महिला को उत्तर प्रदेश के ही देवरिया जिले से भागलपुर गाँव जाना था, लेकिन वो किसी तरह भटकते हुए बिहार के भागलपुर जिले पहुँच गयी। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि महिला मंदिर पहुँची और रो रही थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और महिला से बातचीत की तो उसने अपनी आपबीती बताई। हम लोगों ने उसे जरूरत की चीज दी और वहीं डायल 112 को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उससे पूछकर उसके परिजनों को उसकी जानकारी दी। भटकी हुई महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला गौरा जयनगर निवासी सुदामा सहानी की पत्नी पुष्पा देवी के रूप में हुई है, जो अपने 7 वर्षीय पुत्री और एक 4 वर्षीय पुत्र के साथ भटककर भागलपुर पहुंची है। पुष्पा देवी ने बताया कि पति के द्वारा शराब पीकर लगातार मारपीट की जाती थी, जिस कारण मैं घर से निकलकर अपने मायके जा रही थी, लेकिन मैं यहां कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता। डायल 112 के प्रभारी बीके सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि महिला भटक कर यहां पहुंच गई है। उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है, परिजन कुछ घंटे में यहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। रो रहा था, मतलब पूछे कह रो रहा है, बोला मेरा घर यूपी है, बहुत दूर है, छोटे में भटक के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पूरा रोने लगा, बोला भूखे हैं, खाना नहीं खिलाए, खाना पीना खिलाए और नहाए के नहला दिए। फिर 112 को हम फोन किए, 112 आया, 112 दोबारा घर पहुँचाने का जो काम है वो होगा। अभी मैं आई थी महिला, ये आने से तो हो गया है, 1 बज गया है, 1 बजे 1:30 बजे आया। क्या कुछ कहा गया 112 से आप लोगों को? 112 बोला मेरे सामने 112 आया, उसके बाद फोन किया, उनके घर वाला ने इसका मोबाइल भी था, मोबाइल से फोन लगाए, फोन लगाया, इसका बहन उठाया तो बहन से बात हुआ तो बहन बोला हम तो वहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो सर आप मेरे घर तक उसको पहुँचा दीजिएगा। 112 बोला ठीक है, हम सब व्यवस्था कर दे हैं, 10:55 ट्रेन है, यहाँ से GRP वाला भी आएंगे 9 बजे, यहाँ से लेके जाएगा। मथुरापुर निवासी रीना देवी ने अपने घर के समीप 3 स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर उनके घर की दीवार तोड़ने और गंभीर हमले की SC/ST थाना भागलपुर में शिकायत की है। रीना देवी ने दिए आवेदन में बताया कि शंकर मंडल, मूली मंडल और चंदन मंडल ने उनके घर की पश्चिमी दीवार तोड़ दी और घर के आंगन में रखा अनाज बर्बाद कर दिया। रीना देवी ने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा वो मेरी दीवार क्यों तोड़ रहे हैं, तभी शंकर मंडल ने मेरे साथ गलत नीयत से व्यवहार करते हुए मेरी साड़ी खींच ली, जिससे मैं अर्धनग्न
हो गई। इस घटना के दौरान उसके देवर निरंजन पासवान और गोतनी पूजा कुमारी उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन चंदन मंडल और सूलो मंडल ने निरंजन पर लोहे के रड से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। रीना देवी ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी और धमकी दी कि अगर वे गांव नहीं छोड़ती तो उन्हें गोली मार देंगे। उन्होंने बताया कि मेरा पूरा घर तोड़ फोड़ कर दिया गया और मेरे सभी सामानों को नष्ट कर दिया गया। इस घटना की जानकारी देने के लिए रीना देवी ने नाथनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हरिजन थाना का रुख किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और सभी ने प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट हुआ ना? दो वक्त दोनों पार्टी मारपीट। क्या चीज से मारपीट हुआ है? रेड से मारा है मेरा भाई को आंखे पर, नाक पर। घायल भी है? हाँ, ईटा पत्थर भी चला है, पक्का पत्थर चलाया है। अच्छा, अरे यहाँ से भागते हुए गए थाना, थाना कोई एक्शन नहीं लिया। थाना कोई एक्शन नहीं? कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ से हम धोप धोप दिया, हम चला गया हरिजन थाना। वहाँ गए तब वहाँ जो कार्रवाई हुआ है मेरा। कार्रवाई हुआ है? हाँ, पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई थी। ठीक, तो चारों पट्टी बाउंड्री किया हुआ, टेटिल हुआ वगैरह पर बाउंड्री तोड़ दिया है। अच्छा, तो आगे क्या मांग है आपका? आगे मांग क्या है मेरा, जितना सती हुआ है वगैरह पूर्ति मेरा चाहिए। जमीन आपके नाम से है? जमीन मेरा दादा के नाम है। अच्छा, आपका हिस्सा निकल रहा है उसी का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामन पासवान। कौन कौन मारा है? चंदन मंडल, सूलो मंडल, शंकर मंडल। तीन आदमी? तीन आदमी है। कहाँ पड़ता है तीनों का घर? चंदन पासवान का यहाँ घर है, सूलो पासवान का गाँव में घर है, और शंकर मंडल का। जो भाई घायल है, घायल का क्या नाम है? नीरज पासवान। कहाँ वो इलाज करवाए उसका? सदर हॉस्पिटल में, भागलपुर। भागलपुर।